नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे हिट एंड रन का रोज जनता का क्या दोष। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भी केंद्र सरकार के नए कानून का जमकर विरोध हो रहा है। हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में उत्तराखंड में बस, टैक्सी, ऑटो, विक्रम और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को यातायात में काफी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तराखंड में लोगों को दिक्कतें इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि न्यू ईयर और वीकेंड के चलते लोग दूर दूर से उत्तराखंड पहुंचे हैं, लेकिन नए साल में तमाम यूनियन की हड़ताल से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो जहां फंसा है वो वहीं फंसा रह गया है। कई कई किलोमीटर लोग पैदल परेशान होते हुए नजर आए। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन कानून में बदलाव किया जा रहा है। ड्राइवर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर को 10 साल कैद और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया, जिसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही ड्राइवर यूनियन की ओर से 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसकी वजह से दिक्कतें काफी बढ़ने वाली और इस हड़ताल का असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। और ट्रक चालकों के हड़ताल पर जाने से गढ़वाल मंडल में तेल और गैस का संकट गहराने लगा है। इसके अलावा तेल की आपूर्ति और खाने पीने की चीजों पर भी इसका असर पड़ रहा है। वहीं सरकार का तर्क है कि ये कानून जनहित में, जबकि विपक्ष इसे बीजेपी की ताराशाही बताते हुए नए कानूनों को तुगलकी फरमान बता रहा है। साथ ही इसे वापस लेने की मांग की जा रही। सवाल यह है कि जनहित में लाए गए कानून का देश भर में क्यों विरोध किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा, उससे पहले रिपोर्ट। देश में अब हिट एंड रन करना सबको महंगा पड़ेगा। सरकार ने हिट एंड रन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन कानून में बदलाव किया, जिसका ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर को 10 साल तक कैद और 7 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है, जिसका विरोध किया जा रहा। साथ ही ड्राइवर यूनियन की ओर से 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसकी वजह से दिक्कतें काफी बढ़ने वाली है और इस हड़ताल का असर आम आदमी की रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ रहा है। ट्रक चालकों के हड़ताल पर जाने से गढ़वाल मंडल में तेल और गैस का संकट गहराने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा तेल की आपूर्ति और खाने पीने की चीजों पर भी इसका असर पड़ रहा है। अधिकारियों के लाख बनाने के बावजूद भी हड़ताली मानने को राजी नहीं है। इसकी वजह से लोगों को यातायात में काफी दिक्कतें हो रही। धन्यवाद करते हैं। मतलब कानून से ये नुकसान है कि जो ड्राइवर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो 10 लाख रुपये जुर्माना या 10 साल की सजा कहाँ से वो करें। जो ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते हैं वो 10-15 की नौकरी करने वाले हैं, जो कि अपने बच्चों का पालन पोषण करने में ही असमर्थ होते हैं। इसलिए जो काला कानून वापस लेना चाहिए सरकार को। अगर सरकार वापस नहीं लेती तो हम इसके लिए आगे भी आंदोलन करने को तैयार हैं। ड्राइवर होते हैं ये बेचारे एकदम गरीब फैमिली से होते हैं, जो कानून बनाया कि पैसे जमा करने पड़ेंगे, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। भाई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट कोई करके तो करता नहीं है, कहीं ना कहीं गलतियां रहती हैं तो एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर 5 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? उसके पास अगर 7.5 लाख है या 5 लाख, मैं कह रहा हूँ 1 ही लाख क्यों ना हो, तो ड्राइवर के पास अगर इतने पैसे होते तो ड्राइवर ही क्यों करता? ड्राइवर तो 5,000 भी नहीं भर सकता। वो तो 5,000 भी नहीं भर सकता बेचारा, होते ही नहीं उस पर। अगर वो बंद होता तो उसे भी मालिक के जिम्मे छुटाना पड़ता है। काम में लोग नहीं आ रहे हैं, काम से विरत हैं, स्टीयरिंग बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, तो ऐसे जो हैं लोग मुख्यतः ड्राइवर हैं। ड्राइवरों का कहना है कि हमारी बात को नहीं सुनी गई है, ऐसा उनका पक्ष है। लेकिन जो सरकार ने कानून बना दिया है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, वो पवित्र कानून है, उसके बारे में आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, मैंने लोगों से बोला भी है कि आप काम तो उसको शुरू करो, गाड़ी ड्राइव करो, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और अगर कुछ ऑब्जेक्शन अगर आपको है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करना सबका हक है, अगर किसी को कोई शिकायत है, कुछ सुझाव है, कुछ ऑब्जेक्शन है, तो लिखित में दीजिए। उस प्रस्ताव को हम राज्य सरकार को भेजेंगे और केंद्र सरकार को भी भेजेंगे, लेकिन काम रोकना एक सॉल्यूशन नहीं है। आपको बता दें कि नए कानून के तहत हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर को 10 साल तक कैद और 7 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है,
जिसका विरोध किया जा रहा है। वहीं इस हड़ताल पर अब फैसला 3 जनवरी को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की दिल्ली में सरकार से होने वाली बैठक के बाद होने की उम्मीद है। हड़ताल जारी रहने से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, डीजल, तेल, सीएनजी गैस की सप्लाई प्रभावित होने का डर है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम अन्य दल भी ड्राइवरों की नाराजगी को जायज मान रहे हैं, साथ ही आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि नया कानून जनहित में लाया गया कानून है। देश की संसद के द्वारा और देश के नागरिकों को भारतीय न्याय संहिता भारत की संसद ने पास करके दी है, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये तीनों कानूनों में बदलाव इस पृष्ठभूमि में हुआ है कि अभी तक जो कानून थे वो इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, वो तीनों ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून थे और अंग्रेजों का राज्य कायम रखने के लिए, हमको दंडित करने के लिए वो कानून थे, न्याय देने के लिए कानून नहीं थे। ऐसे ये जो नया परिवहन कानून अभी लागू किया है सरकार ने, बिना सोचे समझे ये कानून वापस लागू किया गया है। ऐसे ही कई कानून ये सरकार बिना सोचे समझे कर देती है। आज हम सब एक मुश्त होकर, चाहे ट्रक यूनियन हो, बस यूनियन हो, लोडर यूनियन हो, विक्रम यूनियन हो, ई रिक्शा यूनियन हो, टैक्सी यूनियन हो, सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और हम ये विरोध हमारा नहीं है, ये हर उस आदमी का विरोध है जो ड्राइवर की सीट पर बैठ के गाड़ी चलाता है। आप हिंदुस्तान में नियम वो नहीं बना सकते जो अमेरिका में या इंग्लैंड में हो। आप हिंदुस्तान की जो वास्तविक स्थिति है उसके हिसाब से आपको दूर दराज की कंडीशन सोच के कोई नियम बनाना पड़ेगा। कहीं हमारी आपत्ति है कि आप नियम बना रहे हो और ऐसे ऐसे उसमें जुर्माना रख रहे हैं कि ड्राइवर के ऊपर 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना कहाँ से ड्राइवर दे। कुल मिलाकर देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भी केंद्र सरकार के नए कानून का जमकर विरोध हो रहा है। ट्रेन के नए कानून के विरोध में हो रहे हड़ताल में आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये हड़ताल लंबी चले तो परेशानी और बढ़ेगी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार जुर्माने की राशि और सजा को कम नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों की मांग को मानती है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश भर में आपको बता दें कि हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में खासा असर पड़ रहा है, जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। साफ तौर पर मांग की जा रही है कि इस कानून को बदला जाए और जो पहले प्रावधान था वही प्रावधान रहने चाहिए, इस कानून को वापस ले सरकार। हालांकि केंद्र सरकार इस कानून को वापस लेती है या नहीं ये तो देखना होगा, लेकिन इससे पहले आज जो स्थिति है या आगे आने वाले समय में अगर यह हड़ताल जारी रहती है तो जनता को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ना सिर्फ आने जाने में लोगों को असुविधा हो रही है, बल्कि पेट्रोल का प्रॉब्लम शुरू हो गया, लोगों को गैस का प्रॉब्लम शुरू हो गया, गैस सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे, तमाम चीज़ें अगर हम बात करें तो धीरे धीरे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से ठप है और जिसकी वजह से जो भी चीजें आयात निर्यात होती हैं वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में ज्यादा परेशानी जनता को इसलिए हो रही है क्योंकि न्यू ईयर पे लोग प्लान बनाकर उत्तराखंड आए थे और अब उनको साधन नहीं मिल पा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, जो जहां था वो वही फंस चुका है और उसकी वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ रहा है। विपक्ष ने बताया कि बीजेपी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी और कहा जा रहा है कि ये तुगलकी फरमान है जो सुनाया गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, शीशपाल सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, संगीता शर्मा जी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी से, विजयवर्धन डंडरियाल अध्यक्ष महानगर सिटी बस यूनियन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और विजय रावत जी जो कि उपाध्यक्ष हैं परिवहन महासंघ से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो शुरुआत विजय रावत जी आपसे करूंगी मैं, हड़ताल जारी है और आगे के क्या प्लान्स होने वाले हैं, क्या इसी तरीके से हड़ताल जारी रहेगी, जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जनता परेशान हो रही है, वो पर्यटक परेशान हो रहे हैं जो यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे। सर्वप्रथम मैं
आपके चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। मैम, जनता परेशान है तो वो केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान है। आपने देखा कि विगत दिनों केंद्र सरकार के प्रवक्ता वो गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक ऐसा विधेयक पेश करने की मंशा बनाई जिसके तहत चालकों के सामने आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। रिटर्न मामला एक ऐसा मामला है जिसमें चालक को ही दोषी बनाया जाएगा भविष्य में। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। एक गरीब चालक जो किसी प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता है उस पर 10 लाख रुपया जुर्माना और दंड के तहत उसको जेल भेजने का काम जो केंद्र सरकार की इस अधिनियम में है उससे उसके सामने आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। सरकार को चाहिए कि वो धरातल पर आकर चालकों के साथ बैठकर चालक हितों के लिए कोई ऐसा अधिनियम बनाए ताकि उनके जीवन में सुधार आए। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर विजय वर्धन जी जुड़े हुए हैं। विजय वर्धन जी, क्या आपको नहीं लगता कि जनता परेशान हो रही है? हेलो, मैं मानती हूँ कि सरकार का ये कानून आपको रास नहीं आ रहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर रहा है? वो भी उस तरफ जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए उत्तराखंड आ रहे, थोड़ी तो मानवीय संवेदना आपको भी दिखानी चाहिए। नहीं, ये हमारा 3 जनवरी तक ये हमारा चक्का जाम का ऐलान है। 3 जनवरी के बाद तो जो आए हैं वो वापस चले जाएंगे, और क्या लेकर मैसेज लेकर जाएंगे उत्तराखंड से? नहीं तो मैसेज यही लेके जाएंगे कि जनता के बीच का जो गरीब आदमी है, एक चालक, उसके साथ किस प्रकार की नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के। चलिए ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। विजय वर्धन जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं? नहीं, मेरा तो सबसे पहले जो है ये कहना है, हाँ, कि ये पहले से ही, ये कानून तो पहले से ही था। जब ये हिट एंड रन का मामला था, जो ये आईपीसी की धारा में जो है 279 में, जैसे कि लापरवाही से वाहन चलाना था, या 304 में लापरवाही में रूप में जो लापरवाही से चलाने पे जिसकी मौत हो जाती थी, या 338 धारा थी जिसमें जान जोखिम में ड्राइवर जो किसी की जान जोखिम में डाल देता था, लेकिन उसमें यह था कि जब कोई ज्यादा ही अगर किसी विपरीत परिस्थिति में अगर कोई गाड़ी अगर जानबूझ के भी अगर कोई वाहन चला रहा था, उसमें 302 का भी मुकदमे का प्रावधान था और उसमें 2 साल की भी सजा थी। मेरा यह कहने का है कि ये जब पहले से प्रावधान था, और इसमें यह है कि ये जो कानून सरकार द्वारा बनाया गया है, इसमें अभी तो ड्राफ्ट पूरा तो बन के बाहर आया नहीं है, लेकिन जो सरसरी तौर पर जो ये कानून है, ये कहीं ना कहीं जो है इसमें जनता का हित भी जुड़ा हुआ है। उसका मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत आयत में आपने देखा होगा कि ये कानून खाली कॉमर्शियल गाड़ी के लिए नहीं है, ये आपका मोटरसाइकिल वाला भी इसकी कानून की चपेट में है, और आपका ये प्राइवेट कार वाला भी है। आपने देखा होगा मोस्टली अगर हिट एंड रन के मामले देखोगे तो अधिकतर जो हिट एंड रन के मामले हैं वो ज्यादातर प्राइवेट कार या प्राइवेट बस या इन्हीं चीजों से ज्यादातर होता है। तो ये जो कानून है खाली कॉमर्शियल वाहन के लिए नहीं है, ये सभी चीजों के वाहन के लिए है। लेकिन जहां तक की बात है कि भाई अगर ये ड्राइवर ये कर रहे हैं इस काम को, लेकिन कहीं मोटे सरसरी तौर पे ये भी अगर देखा गया है, अभी कानून का ड्राफ्ट तो बन के आया नहीं है, लेकिन कभी अगर संभवतः अगर किसी ड्राइवर की मौत हो जाती है तो उसमें भी ये है कि शायद उसको 15 लाख देने का एक उसका इसमें प्रावधान भी रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं जब तक इसमें पूरा ड्राफ्ट बाहर ना आ जाए, तो विजय वर्धन जी आप इस कानून के फेवर में? हाँ जी, अगर कहीं ना कहीं जब तक कि ये पूरा ड्राफ्ट बन के बाहर ना आ जाए तब तक तो है ये विरोध करना भी न्याय संगत नहीं है। क्योंकि जहां तक अगर ये ड्राइवर वगैरह इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये कहने का कि हम खुद भी जो है ड्राइवरों के लिए, हम भी ड्राइवर के लिए, हमारे कंडक्टरों के लिए हम जो है काफी जो है हम आगे रहते हैं। लेकिन विजय वर्धन जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आप इस कानून के फेवर में हैं? मैं कानून के फेवर में, इसमें कुछ खामियां भी है, मैं कानून के फेवर में भी हूँ और इसमें कुछ खामियां भी है। मैं खामियां भी आपको बता दूं कि जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, ये कानून में आपने देखा होगा कि पहले नाबालिग वाहन अगर गाड़ी चलाता था तो उसमें जो कानून में प्रावधान रखा गया था कि उसमें माँ बापों का भी जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया था कि अगर बच्चे के गाड़ी से नाबालिग से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो माँ बाप को भी उसमें जो है
पिता को भी इसमें 2 या 3 साल की सजा का प्रावधान था। तो आपने देखा होगा इसमें इसमें काफी हद तक जो है जब ये कानून बनाया तो काफी हद तक इसमें अंकुश लगा है। तो अगर ये कानून जो है सबके लिए है, इसमें यह है कि इसमें वो आदमी ज्यादा विरोध कर रहा है जिसकी मानव संवेदना खत्म हो गई है, क्योंकि इसमें अगर आदमी गाड़ी चला रहा है और उसमें उसकी अगर किसी से टक्कर हो जाती है और आदमी की मृत्यु हो जाती है तो इसमें यह नहीं है कि आदमी पुलिस को बता सकता है, फोन से बता सकता है, मजिस्ट्रेट से फोन करके बता सकता है, आप बगल में थाने में जाके बता सकते हैं। ये पहले भी था कि जब गाड़ियों की मान लो किसी से कोई दुर्घटना हो जाती थी तो वो पास के थाने में जाके पहुंच जाता था, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। और अगर कानून में अगर जुर्माना लगा है तभी तो आदमी आराम से चलाएगा। उसके बाद जब आप हिट एंड रन नहीं करते हैं, रुक जाते हैं या अस्पताल पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, तो पब्लिक मौका नहीं देती आपको फोन कर कॉल करने का? नहीं नहीं मैम, उसमें यह है ना, पहले भी जिस तरीके से हावी होती है वो ड्राइवर उस बात को समझ रहे हैं। देखिए मैं इस कानून के फेवर या विरोध में नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो फिलहाल स्थिति है या जनता को जो परेशानी हो रही है, मुझे उससे दिक्कत है। और वो चाहे वो ड्राइवर्स की गलती भी क्यों ना हो, क्योंकि आपकी वजह से जनता सफर कर रही है। इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, विरोध हर चीज का रास्ता नहीं होता। वापस आएंगे आपके पास। सुनीता विद्यार्थी जी, तुगलकी फरमान सुना दिया गया है ऐसा विपक्ष कह रहा है, और कह रहा है कि आप अपने इस तरीके के कानून लाकर थोप देते हैं। पहले आप किसान बिल लाए, आपको वापस देना पड़ा, और आप जनहित कहते हैं कि ये जनहित में है, लेकिन जब जनता ही सफर कर रही हो तो ये कैसा जनहित है? यहाँ पर जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन हुआ है, और हम अगर पिछला इतिहास भी उठाएं तो हमेशा हर सरकार ने संशोधन किए हैं, और हमेशा जो परिस्थिति होती है उसी तरीके से सारे संशोधन किए जाते हैं जो हमारा पब्लिक का डिमांड रहता है। पहली बात। नंबर दो, जो बात यहाँ पे अभी दो महानुभावों द्वारा रखी गई, रावत जी की बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि देखिए ये तुगलकी फरमान तो उन्हीं को लगेगा जो तुगलक से संबंध रखते हैं और जो तुगलक के फेवर में रहते हैं, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है और जो हमारी मानवता के प्रति संवेदनाएं हैं वो कहीं से हमें अलाउ नहीं करती कि अगर हमसे अगर अनजाने में भी कोई चीज गलत होती है तो उसका गिल्ट जो है वो हम लोगों में रहता है जब तक हम लोग उसका निवारण ना कर ले। तो यहाँ पे देखिए ये जो संशोधन हुआ है इसको समझने की आवश्यकता है। गिल्ट की रकम 15 लाख रुपए। देखिए हिट एंड रन मैडम, यहाँ पे किसी की जान को 15 लाख 10 लाख से नहीं आंका जा रहा है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसका परिवार उसी के ऊपर अर्निंग जो सोर्स है उसी पर डिपेंड करता है। दोनों पक्षों को जानने की आवश्यकता है। जब हम इसमें जैसे अभी वर्धन भाई साहब ने कहा कि दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा, पूरी जो ड्राफ्टिंग आएगी हमारे सामने उस रिपोर्ट में एक एक पहलू पे अच्छी तरीके से उसमें देखा जाएगा कि कहां कहां पे क्या चीजें की गई। हिट एंड रन से सीधा सीधा मतलब ये है कि एक्सीडेंट करो, जिस तरीके की रैश ड्राइविंग हो रही है, जिस तरीके के उदाहरण पेश हो रहे हैं, जो आप देखिए कि आप सबसे बड़ी समस्या जो है वो ट्रैफिक की हो गई है, और कोई भी रूल तो बहुत बने हैं, नियम बहुत सारे हैं, लेकिन फॉलो कौन कर रहा है? फिर आप कहेंगे जी सरकार बैठी है फॉलो करवाने के लिए। तो सरकार इसीलिए फॉलो करवाने के तहत इन चीजों को संशोधन करके जनता के सुविधाएं जनता को सुविधाएं देने के लिए कर रही है, ताकि वो सही तरीके से ड्राइविंग करें सही तरीके से, क्योंकि एक चालक ही ड्राइव नहीं कर रहा है। अनजाने में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या जानबूझकर हो जाती है या जो भी वहां पे सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, आप ये देखिए जिसकी मृत्यु होगी उसका कौन? तो यहाँ पे थोड़ा सा मानवता को लेकर भी हमें आगे चलना पड़ेगा। हिट एंड रन देखिए आप, अब तो ये भी संशोधन हो गया है कि अगर कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचिए और उनको बकायदा इनाम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले होता था ऐसा कि भाई कांग्रेस के जमाने में मिलता है किसी को कि उसे हॉस्पिटल पहुंचा सके, उसी को फंसा लिया जाता था। तो ये यशी देखो ये सारी चीजें जो है ना बहुत समझने लायक है। इसमें दोनों पहलू हैं, एक तो इसमें खामियां की यहाँ पे बात कर रहे थे, एक भी खामी गिना नहीं पाए, लेकिन अगर कहीं पे खामियां भी हैं तो देखिए बैठकर चर्चा होती है, सब चीजों के सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। आज बच्चे
18 के हो रहे हैं, लाइसेंस बनवा रहे हैं और तुरंत सड़कों पर लगातार आप कितने एक्सीडेंट देख रहे हैं। ये सब चीजें उनको रोकने के लिए है, कंट्रोल करने के लिए है। सारे संशोधन को अगर आप तुगलकी कहेंगे तो मुझे लगता फिर आपसे बड़ा तुगलकी कोई नहीं होगा। तो समझने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। हर चीज को अगर हम ध्यान से समझेंगे, ड्राफ्टिंग प्रॉपर तरीके से उसकी देखेंगे कि क्या क्या चीजों में संशोधन हुआ है, किस लिए हुआ है, तो ये जो फाइन की अगर आप बोल रहे हैं उस पर भी बैठकर चर्चा की जा सकती है। हर चीज थोड़ी ना सड़कों पर ही जाके उसका सोल्यूशन है। आप बैठिए, आप बताइए कि यहाँ पे ये चीज जो है, अगर चालक गरीब है तो वो कहाँ से लाएगा, अनजाने में अगर किसी से हो गया तो क्या प्रावधान है। तो उस दिशा में देखिए जो जांचे हैं वो स्ट्रांग पहलू है कि अगर मान लिया अचानक कोई खुद ही आकर एक्सीडेंट। चलिए सुनीता जी, देखिए इस पर मेरे बहुत सारे सवाल है, मैं आगे इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जनता का क्या दोष, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शीशपाल जी का रुख कर लेते हैं। शीशपाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? विकट समस्या उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो ज्यादा है, क्योंकि पर्यटक भी आए हुए हैं और हड़ताल चल रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर ही माना जा रहा है कि इस कानून की वजह से ये कहीं ना कहीं एक फरमान है जो जबरदस्ती थोपा जा रहा है, इससे जो हड़ताली है वो खुश नजर नहीं आ रहे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए ये सीधी हड़ताल है, पहली तारीख से शुरू है और कल तक चलेगी। ये ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है, इसमें जो है ट्रक है, बस है, टैक्सी है, टेम्पो है, सभी लोग है और ये संगठित क्षेत्र में है। लेकिन जो भी ड्राइवर सीट पे बैठ गया, चाहे बाइक पे बैठ गया, चाहे कार पे बैठ गया, वो भी जो ड्राइवर है वो हर घर में आज जारी है। ऐसा क्यों नहीं, आम आदमी भी प्रभावित होगा। ये जो सरकार कह रही है ट्रांसपोर्ट से जुड़ी जो ड्राइवर ये भी प्रभावित होंगे, मुझे तो लगता है अपन सब इसमें इससे प्रभावित होते हैं और फिर इसमें सरकार विचार विमर्श करना चाहती थी। जैसा भाजपा की प्रवक्ता ने अभी कहा कि अगर कोई बात है उसमें बैठ करके उससे जो है वार्ता से समाधान निकाला जा सकता है। आपको जो है बिल आने से पहले जो है आपको जाकर तक कर ली चाहिए, आप अधूरी आधी अधूरी तैयारी के साथ ये बिल लेके आए क्यों है, जिससे जो है आज पूरे देश के आपने जो है संगठित क्षेत्र के ड्राइवरों को नाराज करने का काम कर दिया। वास्तव में जैसा कि मैं डंडरिया जी को भी सुन रहा था कि ऐसा तो था नहीं कि पहले जो है इसके लिए कोई कानून नहीं था, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी कि अगर कोई स्पीड से गाड़ी चला रहा है उसकी लापरवाही से अगर दुर्घटना हो रही है या इरादतन कोई इस प्रकार का काम कर रहा तो सबके लिए कानून पे तो दंडित भी किया जाता था। लेकिन अब आपने जो यकायक जिसने जुर्माने की राशि और सजा की समय सीमा बढ़ा दी है तो मुझे लगता है उसको लेकर के विरोध ज्यादा है। ये विरोध स्वाभाविक भी है, अभी तो संगठन क्षेत्र में ये जब आदमी की समझ में आएगा कि वो भी प्रभावित इसके विरोध। ये सरकार पहले बातचीत क्यों नहीं करती, अक्सर पर भी है सबकी सलाह लेती क्यों नहीं? अगर आप लोकतंत्र में है, लोकतंत्र व्यवस्था है, आपके जो सामाजिक क्षेत्र है, जो प्रभावित होने वाले संगठन है उनसे आपको बातचीत करनी चाहिए। बातचीत का मुझे लगता है नहीं कि आप रास्ता सरकार को कठिनाई या परेशानी आज आप देखिए जैसे भी हम जो है पर्वतीय प्रदेश के लोग है, यहाँ पर तमाम लोग जो है नए साल की जो है दर्शन मनाने के लिए आज वापस लौटने के लिए इतना परेशान है और मन चला भी रहे हैं। मेरे ख्याल में मन किराया भारत मजबूरी है और आप देखिए कि डीजल की पैदल की किल्लत होना शुरू हो गई है, रसोई गैस की जो है किल्लत शुरू हो गई है, सब्जी दूध फल जो रेडी चीजें है उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। शुरू कर दी थी इंजन में 10 तारीख को 10 तारीख को सरकार का यही अभियान रहता है, यही तारा साहब
लंबी खींचने की संभावना भाई आपको आगे जन मानस की समस्याओं का ये तो जो है ध्यान रखना होगा हमेशा होती है किसानों के मामले में तीन काले कानून आप लेकर गए साल भर तक किसान जिंदगी बाहर डाल करके रखे साढ़े 700 किसान भी जान गई और फिर कानून वापस किसानों को योजना वापस ले रहे हैं पहले किसानों ने चलिए ठीक है शीशपाल जी वापस आएंगे और पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी मैं जरा शीशपाल जी की आवाज को चेक किया जाए प्लीज शीशपाल जी की आवाज स्पष्ट नहीं है हम तक ठीक है शीशपाल जी वापस आएंगे मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगी सुनीता शर्मा जी का सुनीता जी क्या माफ कीजिएगा संगीता शर्मा जी का संगीता जी क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे प्रकरण पर देखिए यशी जी भाजपा की एक आदत है कि बिना सोचे समझे कोई भी बिल ले आना और ये कोई नई बात नहीं है आपने देखा रातों रात नोटबंदी कर देना किसानों के लिए काले कानून ले आना और उसके बाद साल भर तक 750 किसानों की शहादत के बाद उसे वापस लेना और देखिए ये कोई भी कानून बनाते हैं तो ये कहते हैं जनहित में है तो ये कैसा जनहित जब जनता ही परेशान है यशी जी तो ये इनकी जनहित की क्या परिभाषा है भाजपा की ये भी समझ से परे है। दूसरी चीज यशी जी देखिए आप जो कानून लेकर के आए हैं जब हम रोड पर चलते हैं यशी जी तो जरूरी नहीं कि हर बार ड्राइवर की गलती होती है कई बार जो व्यक्ति सामने से आ रहा है उसकी भी गलती होती है तो बिना गलती के वो ड्राइवर उस सजा को भुगतेगा और उसके परिवार का क्या होगा। अभी सुनीता जी ने मानवता की बात की तो मानवता की बात क्या उस चालक पर निर्भर नहीं करती उस चालक का क्या होगा जब वो जेल में चला जाएगा या उसे धनराशि भरनी पड़ेगी तो उसके परिवार का क्या होगा क्योंकि एक्सीडेंट किसी एक की गलती से हो ऐसा संभव नहीं है कभी चालक सही दिशा में भी गाड़ी चला रहा है और सामने से किसी आजकल तो आधे से ज्यादा एक्सीडेंट आवारा पशुओं की वजह से हो रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल यशी जी और देखिए जो रोडों की हालत ठीक नहीं है तमाम रोडों पर गड्ढे हैं कहीं पैराफिट नहीं बने हैं उसकी वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही है उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा तो सरकार क्या उसकी जिम्मेदारी लेती है। तो देखिए तानाशाही का रवैया भाजपा की आदत है और देखिए जब इन्होंने कहा कि लाइसेंस 18 साल के बच्चे सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं तो यशी जी अगर आपने लाइसेंस बनाने की उम्र 18 साल रखी है इसीलिए वो बच्चे सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं तो आप उन प्रावधानों में सुधार कीजिए आपको जहां सुधार की आवश्यकता है वहां के बजाय आप एक तानाशाही का रवैया अपना करके कोई भी काला कानून ठीक है सुनीता जी मैं आऊंगी जवाब लूंगी कितना चाहते हैं और देखिए यशी जी उसका खामियाजा केवल जो अभी चालक हड़ताल कर रहे हैं वो नहीं हम आपको भी भुगतना पड़ेगा बिल्कुल जब हम गाड़ी चलाते हैं तो वो सभी पर लागू होता है क्योंकि और देखिए ये पॉलिसी इस तरह की है कि इसको सरकार को वापस लेना चाहिए इसमें सुधार करना चाहिए और जिस तरह से सुनीता जी ने कहा कि इस पर बैठ कर बात हो सकती है तो भाई सरकार क्या कर रही थी सरकार पहले बैठ करके बात करती और फिर कानून लाती तो शायद आज जो जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही है जो न्यू ईयर ईद पर यहाँ लोग आए वो परेशान हो रहे हैं जो छोटी छोटी चीजों के लिए अब आगे परेशानियां होंगी वो नहीं होती। लेकिन सरकार को अपना एक तानाशाही रवैया अपना करके हमेशा कानून पहले ले आना है और चर्चा बाद में करनी है। चलिए ठीक है थ्योरी ही कुछ अलग है कि पहले आप कानून ले आओ थोप दो उसके बाद उस पर चर्चा करो और जनता के हित के लिए कानून है लेकिन जनता को ही नहीं पता लगता है कि सारी समझदारी केवल सरकार के अंदर है और जनता बेवकूफ है ये इस तरह का कहते हैं कि जनहित में यशी जी कोई चीज मेरे लिए फायदेमंद है और मुझे ही फायदेमंद नहीं लग रही तो ये कैसा जनहित है आप क्यों थोपना चाहते हैं इस लोकतंत्र में ये। पीसी थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर। ये बहुत ही गंभीर इशू है और ये जैसे किसान आंदोलन हुआ था और किसान आंदोलन में एक साल के बाद उनको वापस लेना पड़ा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शायद है कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया और उस जो घटना किसानों की आंदोलन की दिल्ली में हो रही थी जिस तरह से किलेबंदी सरकार कर रही थी उस समय भी हमें लग रहा था कि अंग्रेज भी ऐसा नहीं करते थे और जिस तरह से किसानों को जलील किया गया खालिस्तान के नाम पे कभी कुछ पूरा देश एक रामलीला की माफिक इसको देख रहा है। लेकिन ये जो आंदोलन है ये आंदोलन सरकार की ताबूत में कील बन के उभरेगा और सरकार के खून के आंसू आएंगे। चाहे थपलियाल जी मुझे लगता है किसान आंदोलन एक साल चल गया और सिर्फ किसान हड़ताल पर थे तो बहुत सारी चीजों पे फर्क नहीं पड़ा था लेकिन ये चार दिन और चल जाएगा मुझे लगता है मैं और आप घर पर ही बैठेंगे घर से डिबेट करनी पड़ेगी मुझे चार दिन बाद। वैसे भी हम ऋण के पूरा देश ऋण के नीचे दबा जा रहा है पूरा बहुत बड़ी क्राइसिस था इकोनॉमिकली
और उसमें जो हमारे इकोनॉमिक के पहिए इस तरह से रुकेंगे तो निश्चित रूप से देश पूरा का पूरा देश, चाहे जो, क्योंकि इस समय सब इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि हम सब ड्राइवर हैं और हमारे कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे द्वारा ये घटना हो। सड़कें बहुत बड़ी चौड़ी बन गई हैं, स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं और उस बीच इस लबालब देश को अंग्रेजों ने समझा था हमारे समाज को कि यहां पे किस तरह के कानून होने चाहिए, लेकिन आज मेरे देश की सरकार मेरे को लगता नहीं वो समझ पा रही है कि देश का समाज में किस तरह के कानून लाने चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट देखो आप, मैं कुछ समय देखा कि किस तरह के कानून बना दे, लोग अभी भी रोते हैं, उनके खून के आंसू आते हैं और वो पुलिस की वाहवाही हो रखी है। उसी तरह इस कानून में मतलब किस तरह से आप कोई भी ड्राइवर के साथ एक घटना होती है तो ड्राइवर की जान जो है सीधा सीधा जोखिम में होती है। ये हमारा समाज है भारत का, छोड़ती नहीं जनता। क्या वो मरने के लिए रुकेगा वहां? वो ड्राइवर मरने के लिए रुकेगा? इसलिए इस कानून को सरकार को वापस लेना पड़ेगा ये निश्चित रूप से, क्योंकि ये ऐसा कानून बना दिया उन्होंने जो बिना सोचे समझे, बिना भारत के इस समाज को समझे बिना ये कानून बना दिया और आज जनता त्रहिमाम त्रहिमाम कर रही है। और उसमें हम इन लोगों को बोले कि इन्होंने तो बड़ी मेहरबानी की है, केवल 3 दिन बोला, बहुत बड़ी सलूट दिया हम। लेकिन अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है और निश्चित रूप से ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि आज यही ये बचा हुआ है हमारे पास, बाकी तो विदेशी, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है, मेक इन इंडिया वाला यही है व्हील, जिस व्हील जो हमारे भारतवासियों के हाथ में है और आज उसको खतरा हो गया। किसानों ने तो किसी तरह से अपनी जान बचाई, वी सल्यूट देम, लेकिन आज ये जो है ये पूरे देश इसमें इन्वॉल्व है, जन जन इन्वॉल्व है। इसलिए ये जो कानून है ये बिना सोचे समझे हुए लाया हुआ सुनीता जी है। ठीक है थपलिया जी, आऊंगी मैं वापस। सुनीता जी आपने कहा बैठकर बातचीत करने चाहिए, विपक्ष कह रहा है पहले बैठकर बातचीत क्यों नहीं करते हैं, कानून थोपने के बाद आपको बातचीत करने की याद क्यों आती है जब विरोध होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कानून आया उससे पहले इतने कानून हैं उनको ही हम ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, कहाँ हम चेकिंग हो रही है कि किसने दारू पीकर गाड़ी चलाई है? कहीं नहीं हो रही, कोई नहीं देख रहा। दूसरा, इसको जितना स्टडी कर रहे हैं उसमें जो क्लॉज निकल कर आ रहे हैं, मैं आपको वो मोटे मोटे तौर पर बता रही हूँ कि एक चीज इसमें ये भी निकल कर आई कि अगर जैसे कि ड्राइवर है वो वेट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर हमें पता है पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट करती है, अगर ड्राइवर रुक जाता है वो फोन कॉल करने की स्थिति में रहता ही नहीं है कि उसको वो फोन कॉल किसी को कर पाएगा, मजिस्ट्रेट को या पुलिस को। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आगे आने वाले समय में अगर ये कानून कंटिन्यू रहता है तो कोई भी व्यक्ति जेल नहीं जाने वाला है, मुश्किल से 1 या 2%। ये मामला पुलिस तक जाएगा, पुलिस अपने जेबें भरेगी और उसके बाद मामला वहीं रफा दफा हो जाएगा, जेल कोई नहीं जाने वाला है। लेकिन उससे क्या होगा, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग यहां पर कानून बनने से पहले उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान हो रही है, त्रस्त है। और कुछ दिन बाद, मुझे लगता है 2-4 दिन बाद जनता भी सड़कों पर ही नजर आएगी अगर ऐसे ही हाल रहा तो। सुनीता जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ यशी, मैं सबकी बातें सुन रही थी और मैंने ये बड़ा मेरे को ताज्जुब हुआ कि किस तरीके की नेगेटिविटी विपक्ष में है। मतलब आप गलत को गलत नहीं बोलना चाहते क्योंकि आपके पापी पेट का सवाल है, लेकिन उनका क्या जिनकी आप रोटी छीन लेंगे। और हिट एंड रन का जो मामला है, जो सपोर्ट चल रहा है इतनी देर से, आप मुझे बताइए कि जब हमारे साथ ये घटना होगी और हमें यही नहीं पता होगा कि किसने किया, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि जनता के बीच में चले जाओ और खुद को उनके हवाले कर दो, वो तो अंडरस्टूड है कि कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन
आप उसको तड़पता हुआ सड़क पे छोड़ देंगे जहां जनता ही नहीं है उसको ले जाने वाली, और आपकी सहायता से अगर वो बच जाती है उसकी स्थान से, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा उस तरफ को जाना चाहिए, वो सोच रखनी चाहिए। मैंने जो बातचीत की बात की वो इसमें जो संशोधन हुआ और कानून बना उसके लिए नहीं कहा, यही बात है। हम लोग अपना जो माइंड सेटअप है वो हमने सिर्फ विरोध जताने के लिए रखा है, हम कभी पॉजिटिव बात की तरफ को जाते ही नहीं है। विपक्ष ने ये धर्म बना लिया है अपना कि सही भी कार्य हो रहा है उसमें भी नुक्स निकाल के जनता के सामने ऐसा पेश करो कि ये तो जी तानाशाही चले गए वो राजाओं के राज जब तानाशाहियां हुआ करती थी। अब कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां मिली हैं, जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं वो उस गुलामी मानसिकता से बाहर निकली है, पहली बात। और नंबर टू, हिट एंड रन से साफ स्पष्ट है कि आप पुलिस को फोन कीजिए, आप डॉक्टर को फोन कीजिए तुरंत, पहले जहां पे जो एक्सीडेंट हुआ है। अरे भाई क्या पता चालक को ही कोई मरता हुआ वहां पे छोड़ रहा है, ये भी तो सोचिए ना। जरूरी थोड़ी ना कि भाई चालक ही मारेगा किसी को अगर हिट एंड रन का केस होता है, क्या पता चालक की वहां पे एक्सीडेंट से हालत खराब है और आप वहां से भाग रहे हैं। ये मानवता वाली बात है, आप इस चीज को देखिए, समझने वाली बात है। मैंने पहले भी कहा उसमें कोई भी हो सकता है, मान लिया हम गाड़ी सही चला रहे हैं और सामने वाले ने आके ठोक दिया और जो चालक है उसी की हालत गंभीर है, और अगर वो दूसरा व्यक्ति उसको पहुंचा देता है, आप देखिए शुरुआत करने से ही सब होता है, पहले ही उसके प्रॉन्स कॉन्स निकालना सही बात नहीं है। आपको मैंने चर्चा के लिए कहा, जो लोग आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर गए हैं, जो आज लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं, या संजीता जी फटाफट अपनी बात पूरा करिएगा, मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, उनको चर्चा करनी चाहिए थी, उनको सही पोर्टल पे इसका जो है विरोध जताना चाहिए था। ऐसे आप सारी मशीनरीज बंद करके वहां पे सड़कों में जाके हो हल्ला करेंगे, और आप इस चीज को कैसे किसान मोर्चा से जोड़ रहे हैं, किसान आंदोलन में मुनाफाखोरी, बाजारखोरी, काला बाजारी, इन सब चीजों को रोकने के लिए, एजेंटगिरी को खत्म करने के लिए कानून बनाए गए थे, लेकिन उनको समझ नहीं आए, तो जनता हित में हमने उनको वापस लिया, भुगत लिया, आज भुगत रहे हैं, आज बोल रहे हैं कि भैया हम अपना सामान अपने दायरे से बाहर बेच ही नहीं सकते क्योंकि हमारा जो ऊपर आका बैठा है वो तो भाई वहां पे ये करिश्मा तो केवल भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा की सरकारें ही कर सकती हैं कि पहले जनहित में कानून लाती है और फिर जनहित में ही वो कानून वापस लेती है। रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए जो है पहले से ही कानून विद्यमान है, आप उसका पालन क्यों नहीं करवा पा रहे? ओवर स्पीड रोकना किसका काम है? आपका आरटीओ है, आपकी ट्रैफिक पुलिस है, आपका पुलिस प्रशासन है, अगर ओवर स्पीड को नहीं रोक पा रहा और अगर कोई जो है अल्कोहल पी के गाड़ी चला तो आपका सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा, आप अपने सिस्टम से जो है एक्सीडेंट को नहीं रोक पा रहे, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि साहब जो है कानून बदल लो, अरे नाम बदलने की और कानून बदलने की जो सना चाहती सरकार के सिर पर चढ़ी हुई है, उससे ज्यादा अगर आप कानून का पालन करवाने में, व्यवस्थाएं सुधारने में अगर ध्यान देते तो ये नौबत ही नहीं आती, आपकी रोड़े तो उस दर्पण। यही मुद्दा है कि जो कानून पहले से हैं या जो चीजें व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त की जा सकती है उन पर कॉन्सेंट्रेट ना करके एक नया कानून लाकर थोप देना कहाँ की समझदारी है? व्यवस्थाएं सुधरेंगी, चलिए संगीता जी ठीक है, शिष्पा जी रुकिएगा, संगीता जी इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, विजयरावत जी ठीक है, संगीता जी ठीक है, शिष्पाल जी होल्ड ऑन प्लीज, शिष्पाल जी होल्ड ऑन प्लीज शिष्पाल जी और सुनीता जी प्लीज, सड़क पे उतरे हुए ड्राइवर, ये सबके सब मूर्ख है, मतलब इन सबको जो है समझ नहीं है, केवल शिष्पाल जी नहीं मानेंगे आप, शिष्पाल जी नहीं मानेंगे आप, रुक जाइए जरा, शिष्पाल जी एंड सुनीता जी प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज, शिष्पाल जी संगीता जी सुनीता जी प्लीज बीच
कीजिएगा, मैं पहले ही बता दूं क्योंकि मैडम मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप क्यों फालतू में बोलती रहती हैं। मैंने कब किया आपको सुनीता जी प्लीज समझिए। सुनीता शेषपाल जी रुक जाइए जरा, सुनीता जी प्लीज। शेषपाल जी वेट फॉर अ मिनट प्लीज, सुनीता जी सुन लीजिए जरा संगीता जी क्या कह रही है, उसके बाद वापस मैं आपका रिएक्शन ले लूंगी। बीच में बोला होता ना यशी तब बोलती है। ठीक है सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी प्लीज अभी अभी ये बहस का मुद्दा नहीं हो सकता। संगीता जी फटाफट प्लीज अपनी बात को पूरा करिएगा आप। संगीता जी प्लीज मुद्दे पर आइए, संगीता जी प्लीज मुद्दे पर आइए। संगीता जी प्लीज मुद्दे पर आइए, प्लीज मुद्दे पर आइए। इनको हिट एंड रन में ही रहना है, ये चाहते हैं कि हिट एंड रन करें और दूसरा परिवार जो खत्म हो गया वो खत्म हो जाए। सुनीता जी प्लीज देखिए कानून पहले भी बने हुए थे और हिट एंड रन में ये उस व्यक्ति की बात तो जरूर कर रही है जो जिसके साथ हादसा होगा, लेकिन दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा, किसी एक पक्ष को नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि जो ड्राइवर 10 साल की सजा भुगतेगा उसके परिवार के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और सड़क पर मैंने कहा कि दोनों तरफ से गलतियां होती है, किसी एक तरफ की गलती को लेकर हम कानून नहीं बना सकते। और दूसरी चीज यशी जी देखिए, दिल्ली में हमने फरिश्ते योजना शुरू की जो बार बार ये कानूनों को की दुहाई देते हैं। हमने जब योजना शुरू की तो हमने यही कहा कि जो पहले उस व्यक्ति को एक्सीडेंटल एरिया से उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा उसे 2000 दिया जाएगा और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और दिल्ली में उसकी वजह से 26,000 से ज्यादा लोगों की जान आज तक बचाई जा चुकी है। अरे आपने तो ऑडिबल लाया था, हमने विरोध किया, आपने ऑडिबल लाया था, हमने विरोध किया, नहीं किया ना, तो आपको क्यों विरोधी करना है हमेशा? सुनीता जी भी आप लड़ रही थी इसी बात को लेकर कि मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करती हूँ। विरोध नहीं किया आप, सुनीता जी प्लीज विरोध करना है हर चीज का। किसानों से पूछिए ना क्यों वापस लिया आपने काले किसानों के। संगीता जी और सुनीता जी प्लीज होल्ड ऑन, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं बार बार कह रही हूं मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट, इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि आपस में ही लड़ रहे हैं। ये उत्तराखंड में भी हाथा फूक भारियों पंडा पुजारियों के लिए नियम लेकर के आए, इन्हें ये भी वापस लेना पड़ा। तो हमेशा इनका यही रवैया रहता है, कोई एक वाक्य नहीं है ये कि पहला हिट एंड रन का वाक्य हो। ठीक है एक पक्ष जो गया, विजयपाल जी सुनीता जी की बातों से सहमत है? मैं सुनीता जी की बातों का विरोध करता हूं और इनसे कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को चाहिए कि जो एक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ चालक है उसके उत्थान के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। और जो ये जन सुरक्षा अधिनियम के नाम पे जो ये शोषण होने जा रहा है अब चालकों का, उसको वापस लेने का काम करें। एक चालक कोरोना काल में चालक ही था जो कोरोना मरीजों को लेके एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक जाता था। हमने तब भी मांग करी थी कि कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए, इनके उत्थान के लिए नीतियां बनाई जाए। अपने प्राणों की बाजी लगाता है चालक, लेकिन कोई नीति और कार्यक्रम मोदी सरकार ने चालकों के उत्थान के लिए नहीं किया। ऊपर से तानाशाही पूर्वक बिना विशेषज्ञों की सलाह लिए ऐसा अधिनियम पास करने जा रहे हैं जिनसे चालकों के समक्ष आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आज चालकों की कमी से पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है, और जब ऐसा अधिनियम पास हो जाएगा कोई भी प्रोफेशनल चालक नहीं बन पाएगा। और अभी तो ये जो कमर्शियल वाहन के लोग हैं वही इस आंदोलन में शरीक है। जिस दिन आम लोगों के समझ में आ जाएगा, साइकिल वाले की समझ में आ जाएगा या ई रिक्शा वाले की समझ में या टू व्हीलर चलाने वाले की समझ में आ जाएगा कि वो भी इस काले कानून की परिधि में आते हैं, तो जनता सड़कों पर आ जाएगी और इस दंभी सरकार की ईंट से ईंट बजाकर खदेड़ देगी। जनता ही सरकार बनाती है, और यदि ये कानून लागू करेंगे ये हठधर्मिता से तो सरकार ही बदलने का हम काम करेंगे, ये कहना चाहते हैं हम। ठीक है सुनीता जी,
देखिए रावत जी, हर चीज का विरोध जो है वो देखिए सही नहीं है। मैंने यही कहा कि आप बैठकर चर्चा करें, उसके बाद आप सड़कों पे लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करें। अभिषेक पाल जी प्लीज रुक जाइए प्लीज, कृपया करके प्लीज रुक जाइए। शीशपाल जी, विमर्श का एक पहलू है, बहुपल्ली व्यवस्था का जो सम्मान है उसे भूल जाते हैं, समय दे देते हैं। अब शीशपाल जी याद आ रहे, जब शीशपाल जी बोल रहे थे तब तो आप चुप नहीं हो रही थी, तो लगातार आप जब लोकतंत्र में आप सदन के अंदर विपक्ष को लोकसभा में, नहीं नहीं सुनीता जी वर्सेस शीशपाल जी ये डिबेट है ही नहीं, आप दोनों रुकेंगे नहीं, ये सुनीता वर्सेस शीशपाल नहीं है। प्लीज इस तरीके से डिबेट मेरी डिबेट में तो नहीं होगा बिल्कुल भी। शीशपाल जी प्लीज शीशपाल जी को म्यूट करिएगा प्लीज, मर्यादाओं का सम्मान करना सीखे और आप जिसके हित में जो कानून लाते हैं उसकी समझ को ऐसे ही रुलाएंगे। ये शीशवाल जी कह रहे हैं, रुलाने का काम तो आप कर रहे हैं सुनीता जी। आप सुनिए, ऐसा है रावत जी ने बात कही यहाँ पे। संगीता जी मैंने बहुत मुश्किल से शीशपाल जी को म्यूट कराया है, अब आप शुरू हो गई, रुक जाइए जरा, एक एक करके प्रतिक्रिया लेने दीजिए। कोई चावल नहीं चाहता कि उसके माध्यम से कहीं पे कोई इस तरीके का कारनामा हो, कोई इस तरीके की चीजें सामने आए, कोई चालक नहीं चाहता। मैं सीधा सीधा रावत जी को ये सलाह दे रही हूँ कि मैंने तो ये कहा कि अगर चालक के साथ ही गलत हो जाता है, कोई चालक को ही वहां पे तड़पता हुआ छोड़ जाता है, तो आपके लिए या उसके लिए क्या सुझाव है ये बताइए। जरूरी थोड़ी है कि दूसरा ही व्यक्ति को चालक वो कर देगा, भाई चालक के साथ भी हो सकता है, तो आपने उसके लिए क्या सोचा है? अगर आप चालकों की भलाई के लिए कह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या प्रावधान है? इन्होंने कहा कि खराब रोडों में एक्सीडेंट होते हैं, अरे भाई तो जो फिर बाकी ये तो नया रिसर्च हो गया, सवाल खराब रोड में एक्सीडेंट होते हैं। विजयपाल जी अरे शीशपाल जी चालक है क्या आप? रुक जाइए जरा विजयपाल जी, उनके साथ बातचीत क्यों नहीं कर रही आप बताइए? उनके साथ आपकी सरकार बातचीत क्यों नहीं कर रही? आप जो है कानून ठोकने का काम, शीशपाल जी अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं विजयपाल जी से जवाब ले सकती हूँ? उनकी प्रतिक्रिया मुझे लगता है ज्यादा अहम इस वक्त, विपक्षी दलों से भी ज्यादा। विजयपाल जी शीशपाल जी और सुनीता जी दोनों लोगों को म्यूट करिए प्लीज, तभी बनता है। सुनीता जी प्लीज रुक जाइए, विजयपाल जी को बोल लेने दीजिए, कम से कम उनको मौका तो दीजिए, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम। विजयपाल जी ड्राइवरों की एसोसिएशन विरोध में क्यों है आप? क्यों विरोध में है आप बताइए ना। शीशपाल जी और सुनीता जी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, हम उनको ही नहीं सुन रहे, अपनी अपनी लगा कर रखी हुई है। सुन तो लीजिए जरा विजयपाल जी क्या कह रहे हैं, पिछले 15 मिनट से कह रही हूँ कि जरा उनको सुन लीजिए, ये कैसे हक की बात है, हित की बात है? सरकार भी नहीं सुन रही, आप भी मत सुनिए, विपक्ष भी नहीं सुनेगा, कोई मत सुनो। विजयपाल जी प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि भाई धरातल पे आकर चालकों की पीड़ा को समझे, विजयवर्धन जी ऐसा कोई कानून बनाने की चेष्टा ना करें जिससे आंदोलन, मैंने पहले भी कहा कि आंदोलन नहीं। सुनीता जी आप कसम खा कर आई हैं कि आज आप नहीं बोलने देंगे किसी को, आंदोलन है इसका नेतृत्व तो कोई पार्टी विशेष का आदमी नहीं कर रहा, यह चालक कर रहा है और चालक अब जाग गया है और प्रत्येक घर में एक चालक मौजूद है। यह मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस द्वारा भड़काए जाने पे सड़कों में नहीं आया करते। सुनीता जी प्लीज दिस इज द लिमिट कि हर व्यक्ति को कांग्रेस ही नहीं भड़काती है, कांग्रेस अपने फेवर में नहीं समझा पा रही है लोगों को, आपके एंटी में समझा रही है बैठकर। कांग्रेस क्यों अच्छी है ये नहीं बता पा रही है, लेकिन भाजपा क्यों बुरी है ये जरूर वो बता पा रही है और लोग अपना अमल कर रहे हैं, ऐसा है क्या सुनीता जी? आपको लगता है ऐसा है? ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया। विजयवर्धन जी की प्रतिक्रिया, विजयवर्धन जी फटाफट अपनी बात को कंप्लीट करेंगे प्लीज, समाप्त प्राय हो गया है।
विजयवर्धन जी, कोई नीतियां नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। ठीक है विजय पाल रावत जी, रुक जाइए विजयवर्धन जी, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी, हाँ मैडम, आ रही आवाज क्या? जी जी जी, हाँ मेरा कहने का है मैडम कि ऐसा है कि एक्चुअली क्या है कि इसमें जो है बिंदुओं पे ध्यान देने वाली बात है। मेरा ये कहने का है कि जितनी भी मोटर वाहन गाड़ियां हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ियां हो चाहे चाहे कॉमर्शियल गाड़ी हो, एक तो सबसे पहले सब गाड़ियों पे लगाना चाहिए जीपीएस। उसका मैं बताता हूँ, मान लो कहीं इंटीरियर में एक्सीडेंट हो गए और आदमी दूसरा आदमी भाग गया, तो कोई दूसरा व्यक्ति किसी और आदमी का भी नाम लेके उसे फंसा सकता है और पुलिस जो है उसको उस व्यक्ति को पकड़ सकती है जिस आदमी ने उस दूसरे का नाम लिया है। तो अगर जीपीएस लगा होगा तो कहीं ना कहीं जब एक्सीडेंट होगा तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि यहाँ पर जी इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। तो इसके लिए भी एक मॉनिटरिंग चाहिए और उसके लिए एक अलग से जो है एक केबिन बना हो, चाहे कोई कंट्रोल रूम बना हो जो उसकी सारी मॉनिटरिंग करता रहे कि किस गाड़ी से किसका एक्सीडेंट हुआ है। दूसरा मेरा कहने का है कि अभी जैसे कि विजय पाल जी ने भी बताया था कि इसमें क्या है कि अभी तो खाली कॉमर्शियल गाड़ी वालों को पता चल रहा है, अभी प्राइवेट व्हीकल वालों को तो पता ही नहीं है। जबकि सरकार को ये कह रहा था, जब सरकार ने ये ड्राफ्ट बनाया था तब सरकार अगर पब्लिक में पब्लिश करती तो कहीं ना कहीं प्राइवेट वाले भी कहीं ना कहीं इसमें ऑब्जेक्शन उठाते। अब दिक्कत कहां आ रही है, अब इसमें ये कानून जो बन गया है लोगों के दिमाग में अभी ये है कि खाली ये खाली कॉमर्शियल वाहन वाले चालक के लिए, ये जबकि चाहे प्राइवेट मोटरसाइकिल वाला हो, अगर चाहे मेरे आपके घर से रिलेटेड भी ये है बात। ठीक है, इस पर आगे बातचीत करेंगे और इस पर देखते हैं सरकार का क्या रुख होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, माफी चाहेंगे वक्त की कमी है। और बता दें कि देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उत्तराखंड में भी चालकों का रोष साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आम जनता को इससे जूझना पड़ रहा है। लोगों को ले जाने के लिए जो कमर्शियल वाहन है वो नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आमजन को काफी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में सरकार उस पर क्या रुख अख्तियार करती है वो देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।